सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आप अपने एम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो मैंने 2 महीने के प्रैक्टिस में किया है और TDM छोड़ के मैंने ट्रेनिंग राउंड पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि मुझे भी ट्रेनिंग राउंड पसंद नहीं है। आई थिंक किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं होगा ट्रेनिंग ग्राउंड, बहुत कम लोग होंगे जो ट्रेनिंग ग्राउंड में आते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग TDM खेलना ज़्यादा सही समझते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, TDM में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना आपका एम अच्छा होगा, ना आपकी स्पीड्स अच्छे हो पाएंगे। तो जो कुछ होगा वो सब आपका ट्रेनिंग ग्राउंड में ही हो पाएगा। सो पूरा वीडियो देखना और बताना कैसा लगा आपको, और आगे एक सस्ता सा इंट्रो आने वाला है तो स्किप कर देना। तो गाइस, सबसे पहले आप अपना गन उठा लीजिए जिसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग M4 ही सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ में जाना है और यहाँ पे जो जो मैंने सेटिंग दिया वो सब कॉपी कर लेना और यहाँ पे सेव कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या क्या यूज़ करने हैं M4 में, तो सबसे पहले फ्लैश हाइडर, ठीक है, और एक लेज़र लाइट, और बाकी जो पीछे के लगते हैं वो सब आप लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे फायर देना है, सबसे पहले आपको क्राउच होना है, क्राउच होके फिर अप स्कोप एंड फायर, ठीक है, क्राउच अप स्कोप एंड फायर, ठीक है, ये आपको करते रहना है। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो क्राउच का मूवमेंट होगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और जब भी कोई सामने से रश करेगा या फिर अपने टीम को लेके आएगा तो उसमें आप क्या करोगे कि आप अप होगे, ठीक है, हेड पे मारोगे और सीधा क्राउच हो जाओगे। अगर वो नॉक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर क्लोज में आएगा तो पिट ही जाएगा, आप हेड पे तो मार ही दोगे, इतना तो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ज़्यादातर इसी पे ध्यान देना आप, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आगे देखते रहो और जहाँ पे भी आएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। सो गाइस, आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो 19% मेरा हेडशॉट आया है, तो आपका ये 15 से ऊपर होना ही चाहिए। जब भी आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो 15 से ऊपर होगा तो आपका एम अच्छा होने लगेगा, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि एक टारगेट रहेगा कि आपका 15 से ऊपर हेडशॉट होना ही चाहिए। तो आपको मैं और कुछ भी बता देता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा एम, मैं 2 महीने तक एम असिस्ट ऑफ करके खेला, बहुत प्रॉब्लम हुई पर फिर उसके बाद मेरे को आदत हो गई। फिर उसके बाद आपको 2 महीने के बाद क्या करना है, आपको एम असिस्ट ऑन कर देना है, और जो आप प्रैक्टिस करते हो एम असिस्ट ऑफ करके तो आपकी जो गोली होती है वो सीधा हेड पर लगती है, और फिर जब एम असिस्ट ऑन कर दोगे तो आपकी गोली जो रहेगी नेक पे लगेगी, पर उसको आपको कंट्रोल करके उसके हेड पे लाना है। ये बहुत, मतलब जब एम असिस्ट ऑन करके जब आप खेलने लगोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा, बंदे को लगेगी भी नहीं गोली, इतनी इतनी प्रॉब्लम होगी। फिर वही आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आके हेड पे कोशिश करने की, यहाँ पे भी एम असिस्ट नहीं लगता है, पर आप जब हेड पे जब आप स्कोप खोल के मारने लगोगे तो वो आपकी आदत हो जाएगी कि हर बार आपको हेड पे ही स्कोप खोलना है, हेड पे इसको खोल के उसको डैमेज देना है और उसको वहीं पे किल कर देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेरा 19% फिर से आया, तो हमेशा 15 से ऊपर ही होना चाहिए। सो गाइस, सेकेंड ड्रिल की बात करें तो आपको यहाँ पे इतने सारे आपको पुतले दिख जाएंगे, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर वाले। तो आपको क्या करना है, आपको एक पे स्कोप खोलना है और फिर राइट पे शिफ्ट करना है, फिर लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे, और वो भी हेड पे। तो ऐसे आपको अपने फ़ोन का ज़ायरो आपको समझ आ जाएगा कि कब कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो इसको सबसे ज़्यादा करना आप, ताकि आपका ज़ायरो आपको समझ आ जाएगा, ओके। और बात करें सिक्सेस की, तो आपको इसमें क्या करना है, आप अपने फेवरेट अटैचमेंट्स लगा लेना, और उसके बाद आपको 100 पे स्कोप खोल के हेड पे करना है, ठीक है। हेड पे पहले शुरू में आपको तो लेफ्ट राइट होगा उसमें अपने आप ही, तो आपको पहले 100 पे कम से कम 500 गोली तो मारते ही रहना है, ताकि आपका एम जो रहेगा आप अपने जायरो को अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ आपका जायरो जो है वो एकदम सही चल रहा है, मतलब उस पर हाथ आपका बैठ जाएगा, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। तो 6x मारते रहना, और फिर उसके बाद 90 पे, फिर उसके बाद 80 पे, फिर उसके बाद 70 पे, ऐसे करते करते आपको अच्छे से आ जाएगा। तो जब भी आप टूर्नामेंट में या फिर कस्टम जैसे खेलते हैं तो आप उस, आप जब स्कोप खोलोगे तो आपको अच्छे से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की और कंट्रोल की, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सेंसिटिविटी और अपने कंट्रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि मेरा ये सब देख सकते हैं, अगर आप कॉपी करना चाहें या फिर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा हो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से सब कुछ सेट करके रखा है, और यहाँ पर मैं अपने एक्सट्रीम और स्मूथ पर रखता हूँ, और जो अपनी लॉबी रहती है वो HDR एक्सट्रीम पर रखता हूँ। तो ये सिर्फ आईफोन के लिए है, एंड्रॉयड में ये मत करना आप, नहीं तो आपका लैग होने लगेगा,
और यहाँ पे कंट्रोल आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कोड बना देता हूँ। तो अगर आपका ये कोड अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपको कोड भी उसी समय उधर दे दूंगा। सो चलो बात करते सेंसिटिविटी की। तो ये रही सारी सेंसिटिविटी मेरी, जो भी स्प्रेज होते हैं सब इसी की मदद से होते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लेना, अगर कॉपी नहीं करना चाहते हो डायरेक्ट पेस्ट करना चाहते हो तो मैं कोड बना देता हूँ। कोड इधर आप देख के इसको अप्लाई कर लेना अपने सेंसिटिविटी में, और अगर वो कोड वर्क नहीं करता है तो आप कमेंट में मेरे से बोल देना, मैं कोड दे दूंगा। तो कुछ बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि टीडीएम खेलने से आपका गेम इम्प्रूव होगा, तो मैं पहले फिर से बता दे रहा हूँ, आपका गेम कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा टीडीएम में। आपको डेली 15 से 30 मिनट तो आपको देने ही होंगे ट्रेनिंग ग्राउंड में, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं पहले रॉन्ग में खेलता था तो मेरे एम उसमें अच्छे थे, पर जैसे ही मैं iOS पे शिफ्ट हुआ फिर उसके बाद मेरे एम्स एकदम बेकार हो गए थे, बिल्कुल भी कनेक्ट ही नहीं होते थे। और फिर मैंने 2 महीने तक एम असिस्ट ऑफ कर दिया और बिना एम असिस्ट के खेलने लगा। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई देख, एम असिस्ट ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, मतलब उतना इम्प्रूव नहीं आएगा, तेरे को ट्रेनिंग ग्राउंड जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड गया, फिर उसके बाद 2 महीने उसमें प्रैक्टिस किए। 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब मुझे लगा कि हाँ मेरे एम इम्प्रूव हो चुके हैं, तो मैंने एम असिस्ट ऑन कर दिया। तो आप भी ऐसे ही 2 महीने तक ऐसे करो, आपके भी एम इम्प्रूव हो जाएंगे। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेरा गेम प्ले देखना चाहते हो कि मैं कैसा खेलता हूँ, तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल पे मॉन्टेज वीडियो डालता रहता हूँ, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।